इंडियस 37 का कुछ पॉइंट बचा हुआ है, जैसे कि कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है क्लियर सी एग्ज़ाम्स। और हमारा विज़न है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्ज़ाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और क्लासेस वीडियोज़ को देख रहे होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो आज का स्टार्ट करते हैं क्लास, और उसके पहले एक लाइन बोल देते हैं जो बोलते हैं हम हमेशा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है, बेसिकली वी नीड टू टेल इट टू आवर सेल्फ दैट वी आर मोर देन व्हाट वी थिंक, वी आर मोर देन व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू एंड मी एंड एवरीवन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन डू एनी थिंग विच एवर यू वॉन्ट टू डू। पहला टॉपिक हमारा होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी। व्हाट कंटिंजेंट ही होगा, बस इसमें एसेट भी ले सकते हैं, लायबिलिटीज भी ले सकते हैं। एक ही करिए बताते हैं मैं, दोनों क्या है। एक है पॉसिबल एसेट, और ये है पॉसिबल लायबिलिटीज। सॉरी, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ओके, हुज ऑकरेंस, जिसका ऑकरेंस, जिसका होना या ना होना डिपेंड रहता है, जो अराइज होते हैं पास्ट इवेंट से, विच अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, फिर उसका ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस। अब इनका ऑकरेंस स्लैश नॉन ऑकरेंस डिपेंड रहता है फ्यूचर पे। ऑन फ्यूचर इवेंट, इवेंट दैट इज नॉट इन कंट्रोल। बहुत बार अपने पढ़े हुए हैं कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, ऐसा नहीं सोचेंगे हम, ये सोचेंगे कि अभी पहली बार ही पढ़ रहा है। कंटिंजेंट एसेट एक पॉसिबल एसेट है, कंटिंजेंट लायबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, जो अराइज होती है पास्ट इवेंट से, दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट, हुज ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस इज डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर इवेंट्स और दैट इवेंट्स विच आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। ओके, और इनका करना कुछ नहीं है, दीज ऑल जस्ट फॉर द डिस्क्लोजर पर्पस। ये दोनों ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पजेज हैं और इनका कोई अकाउंटिंग नहीं होगा, ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। अगर एग्जाम्पल आपको चाहिए तो, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कोर्ट केसेस,
एग्जाम्पल कोई कोर्ट में केस है, कोर्ट केस फाइल आपने कर दिया है, आपको लग रहा है कि पैसा मिलेगा वहाँ पे, मैं केस जीत जाऊँगा तो आप एसेट बना सकते हो, या फिर किसी ने आपके खिलाफ़ केस कर दिया तो आपको लग रहा है कि मैं केस हार जाऊँगा तो आप लायबिलिटी बना लो। फॉर क्लेमिंग डैमेजेस, आपका कोई डैमेज हो गया इंश्योरेंस कंपनी में, आप डैमेज क्लेम किए हो कि भैया मेरे को वहाँ से रुपया मिल सकता है, तो आप उसको बना सकते हो। इंश्योरेंस क्लेम और कोई है आपका तो, सो दीज ऑल आर द कंटिंजेंट, इट कैन बी कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, डिपेंडेंट ऑन कि आपके ऊपर कोई क्लेम किया है कि आपने किसी के ऊपर क्लेम किया है, ठीक है। सो दैट अगर कंटिंजेंट एसेट को कंक्लूड किया जाए तो क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे कंटिंजेंट एसेट मीन्स पॉसिबल एसेट विच अराइजेज फ्रॉम द पास्ट इवेंट whose existence is dependent on occurrence or non-occurrence of future uncertain events that is not in control of the entity. Future uncertain event यहाँ पे रहेगा uncertain, तो बस ये रहा contingent asset। और उसके बाद बात करें contingent liability की, so this is a possible obligation which arises from the past events whose existence is dependent on occurrence or non-occurrence of the future uncertain event not in control of the entity. Difference बस यही कि वो possible asset है, possible obligation है, और बाकी सारा चीज़ सेम, सारा चीज़ सेम है, मतलब मैं याद करने के लिए रटने के लिए उस हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, बट यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उनके ऑकरेंस of non-occurrence or those events are uncertain which are not in control of the entity. अब अगर वो control में रहेगा तो they can not be called as contingent in nature. ये रही बात contingent asset की और contingent liabilities की, now we talk about the disclosure of our beloved Ind AS, that is Ind AS 37. What is the disclosure requirement? बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट तो होगी ही, होनी भी चाहिए। जैसे आपको डिस्क्लोज रिकंसिलिएशन शो करना पड़ता है, प्रोविजंस का रिकंसिलिएशन, अब उसमें ऐसे रहेगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रोविजंस, ओपनिंग बैलेंस इफ एनी अवेलेबल, फिर रहेगा क्रिएशन जो आपने क्रिएट किया हो इस बार, रिवर्सल कोई रिवर्स हुआ हो प्रोविजन और यूज में आया हो, फिर क्लोजिंग बैलेंस। अब इसमें स्केल से टाने क्या, जैसे कि फॉर वारंटी, अगर वारंटी के लिए है तो ओपनिंग बैलेंस है तो कुछ लिख दो, क्रिएशन कुछ हुआ है या रिवर्सल कुछ हुआ है तो लिख सकते हैं आप, ऐसे ही करके हर का आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि ये एक फॉर्मेट है जिसके अंतर्गत आपको प्रोविजंस को प्रोविजन का रिकंसिलिएशन डिस्क्लोज करना है। रिकंसिलिएशन मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग तक के डिटेल्स आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, प्रोविजंस की जो डिस्क्रिप्शन है, प्रोविजन के बारे में आप जब डिस्क्राइब करोगे तो वो अनसर्टेनिटी को स्पेसिफाइड करनी चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोविजन डिस्क्रिप्शंस
ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोविजंस के जो डिस्क्रिप्शंस हैं, प्रोविजंस डिस्क्रिप्शंस शुड बी स्पेसिफाइड अलॉन्ग विथ अनसर्टेनिटीज। अच्छा, आपको पता है प्रोविजंस का जो डिस्क्लोजर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा इस पर जोर देंगे। प्रोविजन डिस्क्रिप्शन शुड बी स्पेसिफाइड अलॉन्ग विद द अनसर्टेनिटी, उसके अनसर्टेनिटी के साथ साथ उसे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और एक्सपेक्टेड रिकवरी, अगर लायबिलिटी है तो एक्सपेक्टेड जो आपने प्रोविज़न बनाया है उसके रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड रिकवरी है इफ एनी, तो उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हमने प्रोविज़न की रिकन्सिलेशन बना दिया, और ये हम जब डिफाइन करेंगे कि हमने ये प्रोविज़न बनाया है तो उसमें क्या अनसर्टेनिटीज़ है और उसमें से क्या रिकवरी हो सकती है, ठीक है। ये रिगार्डिंग प्रोविज़न रहा। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट के ऊपर अगर बात करें, तो हमें डिस्क्लोज़र देने पड़ेंगे कंटिंजेंट एसेट कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए। डिस्क्लोजर शुड बी गिवन, क्या होना चाहिए डिस्क्लोजर, जैसे हमने ऊपर बात किए भी, डिस्क्लोजर शुड बी गिवन। डिस्क्लोजर शुड बी गिवन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटीज contingent liabilities with fact of contingency। आपको किस वजह से वो contingent लगा, मतलब uncertain लगा, with the fact of contingency uncertainties एस्टिमेटेड अमाउंट एंड इट्स रिकवरी इफ एनी, और उसकी जो एस्टिमेटेड अमाउंट है एंड इट्स रिकवरी, और उसका कोई रिकवरी है तो वो भी आपको एंड इट्स रिकवरी। इफ एनी, ये हो गई कंटिंजेंट एसेट की बात। कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट एसेट की बात नहीं, कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात हो गई। कंटिंजेंट एसेट में क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट एसेट के बारे में डिस्क्लोजर शुड बी गिवन, यहाँ पे भी डिस्क्लोजर देना चाहिए। डिस्क्लोजर शुड बी गिवन, डिस्क्लोजर दिया होना चाहिए फॉर फैक्ट्स ऑफ द एसेट्स, किसके लिए, फॉर फैक्ट्स ऑफ एसेट्स, उसके एक्सक्यूज मी एस्टिमेटेड, उसके एस्टिमेटेड अमाउंट, उसके एस्टिमेटेड अमाउंट एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व। ओके, अगर आपने प्रोविजंस को डिस्काउंट किए, सपोज आपने प्रोविजन को क्या किया, डिस्काउंट, तो डिस्काउंटिंग रेट शुड बी डिस्क्लोज्ड। जैसे फ्यूचर प्रोविजन को आपने क्या किया, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रेट अप्लाइड ऑन डिस्काउंटिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड। डिस्काउंट रेट अप्लाइड should be disclosed। आपके पास दो ऑप्शन रहता है कि आप डिस्काउंट रेट अप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट रेट
आपने इग्नोर किया है, सो नॉट डिस्क्लोज, नो नीड, बेसिकली नो नीड टू डिस्क्लोज देम. ठीक है, कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं, इन रेयर केसेस कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहां पर डिस्क्लोजर ऑफ अनसर्टेनिटी फैक्ट्स प्रोविजंस कैन प्रिजुडिस फ्यूचर इवेंट्स. जहां पे अनसर्टेनिटीज होती है, जो फैक्ट्स होते हैं ऑफ प्रोविजंस, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, कैन प्रिजुडिस टू द फ्यूचर इवेंट. और फ्यूचर इवेंट से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, कैन प्रिजुडिस टू फ्यूचर इवेंट. मतलब वो फ्यूचर आप नहीं बता सकते क्या अनसर्टेनिटी है, क्या फैक्ट्स है उसका. कैन प्रिजुडिस टू फ्यूचर इवेंट्स, तो इस केसेस में क्या होगा? इस केस में आपको, इन सच केसेस डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड. यहां पे आप डिस्क्लोजर नहीं देंगे तो भी चलेगा. रिक्वायर्ड रदर फैक्ट शुड बी गिवन फॉर नॉन डिस्क्लोजर. आपको क्या देने पड़ेंगे? फैक्ट शुड बी गिवन फॉर नॉन डिस्क्लोजर. कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको अगर मैं बताऊँ, आपने डिस्क्लोज नहीं किया, किस आधार पर डिस्क्लोज नहीं किया, वो फैक्ट आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे. ठीक है, जैसे कि रेयर केसेस में आपने बोला फैक्ट्स ऑफ द प्रोविजंस, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज कैन प्रिजुडिस टू फ्यूचर इवेंट. फ्यूचर इवेंट से बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट है तो मैं उसको आज नहीं बता सकता, तो ये आपको बताना होगा कि ऐसा क्या फ्यूचर इवेंट है, या फिर ऐसी क्या, कौन सी कंटिजेंट एसेट, कंटिजेंट लायबिलिटीज जिसमें ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिला है. सो इन सच केसेस क्या करेंगे, डिस्क्लोजर इज नॉट रिकॉर्ड. फैक्ट जो है वो फैक्ट शुड बी गिवन फॉर नॉन डिस्क्लोजर. ठीक है, तो बस ये ख़त्म हो गया थ्योरी पार्ट ऑफ द इंडियस 37. अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जो भी क्वेश्चन है हमारे इंस्टीट्यूट के मैट में, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल सॉल्व करेंगे. तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. बस आप एक बार याद रखिएगा कि आप हैं तो हमारी हैसियत है, और मैं एक ज़रिया हूँ और आप मेरी ताकत हैं. और आज ये ज़रिया शुक्रिया कर रहा है अपनी ताकत.